भूपेश बघेल जी के पिता एक किसान है, जिसकी वजह से भूपेश बघेल का कोई भी राजनीति से जुड़ा इतिहास नहीं था। तो फिर वो कैसे पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक? दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है जब भूपेश बघेल जी 25 साल की उम्र में पहली बार कांग्रेस ज्वाइन किया, और वह साल था 1986 का, और वह दौर था राजीव गांधी का। तब भूपेश बघेल ने राजनीति से जुड़ना शुरू किया था। भारतीय युवक कांग्रेस से अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत की और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य बने। पार्टी का काम करते हुए उन्हें कुछ साल बीत गया और इस पद में रहते हुए उन्होंने पार्टी के लिए काफी सारे काम किए और लोगों में उनकी पहचान बढ़ने लगी। तब 1983 में पहली बार पाटन से मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और अपना पहला चुनाव जीता और विधायक के रूप में लोगों के सामने आए। और दोस्तों, वह वक्त था कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का। वह उस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और दिग्विजय की सरकार में भूपेश बघेल को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। और कैबिनेट मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्होंने काफी सारे काम किए। दोस्तों, आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।